जब भी बीमार पड़ता है पूछता है, मम्मा मैं जीऊंगा या मरूंगा? बस एक बच्चे को पल पल मरते हुए देखना एक बार नहीं बर्दाश्त सकती। मरना तो है लेकिन हर पल इस डर से जिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कौन सी आंख में आपको प्रॉब्लम है बेटा? आंख बताए क्या है? देखे आप देखिए, अल्लाह ने आपको आंख दिया है तो आप आंख से जिना करते हो, आप आंख से गुनाह करते हो। कुछ बच्चे तड़पते हैं देखने के लिए, नजर नहीं आता है। यहाँ एक माँ को हम आनर करना चाहते हैं इंस्पिरेशनल मदर अवार्ड से। वो इन हाउस में रहकर अपने बच्चे को लेकर आई हैं। वो सीखने नहीं आई हैं बल्कि बच्चे का दिल बहल जाए इसलिए आई हैं। इंग्लिश के लिए नहीं आई हैं, बच्चे को कैंसर हुआ है, कहाँ कहाँ लेकर गई, कहीं इलाज नहीं। और लड़का पहली दफ़ा मुझसे मिला, बड़ी अजीब हालत मेरी हुई थी, वो सीधे आँख ऐसे निकाल के मेरे हाथ में दे रहा है। दुआ करें इस लड़के को अल्लाह सुबहानहू ताला बड़ी सेहत से आपको नवाजें। कौन सी आँख में आपको प्रॉब्लम है बेटा? आँख बताएं क्या है? देखें आप देखिए, अल्लाह ने आपको आँख दिया है तो आप आँख से जिना करते हो, आप आँख से गुनाह करते हो। कुछ बच्चे तड़पते हैं देखने के लिए, नज़र नहीं आता है। कैंसर से बेचारा परेशान, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम ऐसे बंदों पर रहता है। बेटा जी सुनना, आप मेरे अल्लाह और आपके अल्लाह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आप फोन इस जेब में रखते हो रोज, आईफोन 2 लाख का, और आज आपने इसमें नहीं रखा, जल्दी में आपने इस जेब में रखा, और आपका हाथ पहले कहाँ जाता है? इस पर जाता है। और जब आप हाथ ऐसा रखते हो और फोन नहीं मिलता है आपको, पल भर के लिए आपका दिल की जो धड़कन होती है ना, 1000 गुना हो जाती है, डट 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 डट, हैबत सारी हो जाती है। और फिर जब आप वही हाथ इस जेब में रखते हो तो फोन को पाते हो तो राहत मिलती है। और उस पल में जो तकलीफ हुई, जो आपने फोन नहीं पाया, उस पल में मेरा रब आपका रब इतने गुनाहों को माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रहीम है। इतनी भी तकलीफ अल्लाह नहीं देख सकता बंदों में, इतनी भी तकलीफ। जब ऐसी तकलीफ हो रही है तो ऐसे बंदों को और ऐसी माँ को जन्नत में क्या दर्जात अल्लाह देगा। ये सिर्फ यहाँ फोन नहीं रहने की वजह से जो तकलीफ होगी, बहुत से गुनाहों को माफ कर देता है। तो आप इमेजिन करो कि ये लोग की कैसे दर्जात को अल्लाह बुलंद करेगा। पल भर की जिंदगी, सब ने जीना, सब ने मरना है। एक दिन मेरी खबर आएगी कि मुनव्वर जमा इज नो मोर, एक दिन खबर आएगी यू आर नो मोर, सब ने मरना है। लेकिन वहाँ असल हमने ज़िंदगी जीना है, और वहाँ के लिए आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं बेटे के लिए, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक माँ मोटिवेशनल स्पीचेस सुनकर, क्या पता कुछ भी हो जाए, बस ले आ रहे हैं। मैं कभी रातों में तन्हाई में रोता हूँ अकेले, समझ नहीं आता है कि या अल्लाह ऐसे भी बंदों को माएँ लेकर आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, आई एम हेल्पलेस। बस मैं दुआ करता हूँ कि बेटा अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम आप पर बना रहे, आपके अम्मी पर बना रहे। एक अवार्ड में छोटा सा देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर करेज। बेटे को लेकर आई हैं इंस्पिरेशनल मदर, इंग्लिश हाउस ऑनर्स दिस लेडी विथ एन अवार्ड। अस्सलामुअलैकुम। मेरा जो ग्रेजुएशन है 1994 में ख़त्म हो गया था, आफ्टर 30 इयर्स मैंने हाथ में पेन लिया है सिर्फ मेरे बच्चे के लिए। क्योंकि जब ये 6 साल का था हमें पता चला कि इस कैंसर है जो स्टेज ई पे है, यानी लास्ट स्टेज पे है। That every month I had to go for the chemotherapy treatment, due to which I am not able to send him to the school. It is a continuous process from month to month, every month. It's a 56,000 injection that he has to take every month, and वो एक injection 4 दिन में देते थे।
और हमें लगभग 1 month वहाँ पे रहना पड़ता था हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से हमें इसकी बेसिक जो स्कूलिंग है वो नहीं दे पाए। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसे मदरसे में डालते हैं। तो आफ्टर 2 years हमने इसे मदरसे में डाला और वो अब कुरान हिफ्स कर रहा है माशाल्लाह। और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है मेरे बच्चे को। वो जब भी बीमार पड़ता है पूछता है, मम्मा मैं जीऊँगा या मरूँगा? बस एक बच्चे को पल पल मरते हुए देखना एक बार नहीं बर्दाश्त कर सकती। मरना तो है लेकिन हर पल इस डर से जिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत बड़ी टास्क है जिंदगी में, बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। रियली आई एम थैंकफुल टू समाज सर दैट ही हैज क्रिएटेड इट जस्ट a big platform that there is no age limit so that we can come here frank way and we can get the things in a very easy your way. He has made it very, very easy for mothers like me who is interested to impart the education for my child at home. Because of his illness he is not able to go to school, but I want to make him strong. And I want to give education on myself. But first I will learn and then I will give education to him at home only. ये दोनों English House के students हैं, ये दोनों की भी total fee हम लोग माफ़ करते हैं। नहीं सर, थैंक यू सर, आपने पहले ही आप आए हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक दुख लेकर एक आस से जब मेरे पास आती हैं, इतने challenges लेकर आती हैं, और आप आना हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और बच्चों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि देखो अल्लाह ने सेहत दिया है आपको और आपने कैसे गलत इस्तेमाल किया सेहत का, और कैसा तरसते हैं बच्चे आज अपने सेहत के लिए, और जब वो ही सेहत आपको अल्लाह ने इतनी अच्छी दी है और आप किस राह में जा रहे हो। अल्लाह सबको आजमाता है, किसी को खुशियाँ देकर, किसी को चैलेंजेस देकर, किसी को गुर्बत में, किसी को शोहरत देकर। ये बस दुनिया धोखे का घर है, ये आजमाइश यहाँ होते रहती है हर पल। यहाँ कल क्या होगा किसी को नहीं पता, बस अल्लाह की रस्सी थामना सबने, और अपने वालिदैन की खिदमत करना और गुनाहों से बचना, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाब और आने वाले ज़माने में भी कामयाब होंगे। हाँ जी बेटा, आप कुछ बोलना चाहते हो? 2 लाइन। अच्छा, कुछ कोट वगैरह जो सीखा आपने रतन टाटा वाला, चले एक नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन वाला, चले। अच्छा, सलाम करें मदरसे में जो आपने सीखा, कुछ भी सूरह फातिहा पढ़े, कुछ भी परफॉर्मेंस बेटा। हाँ चले, वेरी गुड, हम लोग हैं आपके साथ इंशाअल्लाह। यस, आज एंकरेजमेंट की जरूरत है, जाहिर सी बात है मायूसी होती है ऐसा जब बच्चों को चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने अम्मी को खुश करोगे परफॉर्मेंस करके। अम्मी की बात सुनते हो आप? तो चलो अम्मी से कहलवाता हूँ, आप कह दें कि बेटा एक परफॉर्मेंस छोटा कर दें। ये देखिए, अब लोग खामक है, मुझे मजिशियन बोलते हैं, माँ मजिशियन होती है। यस बेटा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम। आई एम अब्दुल्ला, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग इन 7th स्टैंडर्ड। I would like to thank Bharatiya Vidya Bhavan Metropolis Hotel and English House Academy for giving me a chance to enhance my communication skills. Bahut umda, very good. I'm going to say the quote of Ratan Tata. None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but its own mindset can. Bahut umda. Thank you very much indeed for your cooperation and have a wonderful day. वंडरफुल भाई, ये आपने पढ़ा है, इसका इनाम है, आपके दोनों की फ़ी हम वापस करते हैं। दिस इज़ फॉर यू, इसको गुड जॉब, वंडरफुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अल्लाह का हमेशा करम बना रहे आप पर।